नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और मैं एक नई नवेली खबर लेकर आ गई हूँ आपके पास, क्योंकि नया शो आने वाला है। कपिल शर्मा के पुराने दोस्त नया शो लेकर आने वाले हैं। कपिल शर्मा तो सब जानते ही हैं और जो उनके पुराने दोस्त हैं वो भी जानते हैं। उनका नाम है सुनील ग्रोवर। वो अपना नया ब्रांड न्यू शो लेकर एकदम रेडी हैं। और कैसे हमें पता कि सीरियसली रेडी हैं, क्योंकि उनकी शूटिंग से हमारे पास एक फ़ोटो आ गई। इनफैक्ट सबके पास अभी फ़ोटो आ चुकी होगी। अगर आप नहीं जानते तो आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे कुछ ही दिन पहले की बात है कि जब हमने आपको बताया था कि कपिल शर्मा भी अपना नया शो लेकर आ रहे हैं। हाँ, वही जिसको बॉलीवुड के भाई सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पर आज हम उस शो की बात नहीं करेंगे, कपिल शर्मा की भी बात नहीं करेंगे, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई कैसे हुई इसकी भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड स्टार बन चुके सुनील ग्रोवर के नए शो के बारे में। कौन कौन दिखने वाला है, कभी ये आ रहा है, सब कुछ। तो आओ आपको दिखाते हैं हम अपनी स्टोरी के माध्यम से। सबसे पहली बात तो ये है कि शो का नाम होने वाला है कानपुर वाले खुरानास। इसमें आपको नए नए चेहरे दिखेंगे, बट दो तीन कॉमन चेहरे भी दिखेंगे, जैसे कपिल शर्मा की दादी दिखेंगी आपको, यानी अली असगर, उपासना सिंह जो उनकी बुआ बनती थी वो भी हैं, सुगंधा जो कि लता मंगेशकर जी की बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, वो सब दिखने वाले हैं। और साथ में एक सरप्राइज पैकेज है, वो है कुणाल खेमू, सैफ अली खान के जीजा जी हैं और काफ़ी सारी कॉमेडी मूवीज़ में आपको दिख चुके हैं। जख्म मूवी में उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया था। अच्छा, ये वाली फ़ोटो है जो मैंने आपको जिक्र किया कि ये शूटिंग से आ चुकी है, सारे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये रैली असगर, ये रे कुणाल खेमू, वो रही उपासना सिंह और वो है सुगंधा, ये है हमारे सुनील ग्रोवर जी। बाकी जो नए नए लोग हैं वो आपको इंट्रोड्यूस हो ही जाएंगे जैसे ये शुरू होगा। अच्छा, अब आते हैं कि भाई कुणाल खेमू को बहुत ही स्ट्रेटजिकली इसमें लिया गया है, क्योंकि ऐसा मानना है शो के प्रोड्यूसर का कि कुणाल खेमू प्रूव कर चुके हैं इस बात को कि वो काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। गोलमाल सीरीज़ में देखा है हमने और ढोल मूवी में भी देख लिया है, तो इसलिए उनको लेना काफ़ी अच्छा रहेगा और सुनील ग्रोवर के साथ उनकी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इसमें एक एक्ट्रेस भी दिखने वाली हैं आपको, हो सकता है दिखें, और वो भी सुनील ग्रोवर की पत्नी के रोल में दिखें। अदा खान नाम है उनका। नागिन सीरियल देखा है आपने, टीवी पर आता है, उसमें वो दिख चुकी हैं। कॉमेडी नाइट्स बचाओ में दिख चुकी हैं, द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा में दिख चुकी हैं। तो बेसिकली उन्होंने कॉमेडी भी की है और एक्टिंग भी की है, तो वो भी इसमें दिख सकती हैं आपको, ठीक है। कपिल शर्मा के शो में सब जानते हैं कि दो जो सुनील ग्रोवर के किरदार थे वो बहुत ही फेमस थे, मशहूर गुलाटी एक और दूसरे गुत्थी, ठीक है। अब गुत्थी तो सबकी फेवरेट है ही, लेकिन इसमें गुत्थी जैसा कुछ नहीं दिखने वाला है आपको। इसमें एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट अवतार लिया है सुनील ग्रोवर जी ने। वो क्या करने वाले हैं कि इसमें कई सारी लड़कियों के जीजा जी बनेंगे, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं ये जीजा जी बैठे हुए हैं तोंद वाले, और ये सारी उनकी मैडमें हैं जो सालियाँ हैं, हो सकता है इसमें पत्नी भी हो, और ये साइड पर खड़े हैं कुणाल खेमू और ये हमारी गुत्थी। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, अविनाश जी मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें। सुनील ग्रोवर जो है वो कानपुर के खुरानास के बारे में उन्होंने बताया था कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मुझे लोग बोलते थे कि कुछ नया लेकर आओ, तो मैं लेकर आया हूँ और देखते हैं कि कैसा होगा। बाकी इस शो के जो पहले गेस्ट हैं उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो न्यूली मैरिड रणवीर सिंह होने वाले हैं और साथ में उनके होंगे रोहित शेट्टी, जो कि दोनों साथ में काम कर ही रहे हैं अपनी एक फिल्म सिम्बा पर। और जो सेकंड वीक के गेस्ट होंगे वो हैं सारा अली खान एंड करण जौहर। वैसे ये सीजनल शो होने वाला है। सीजनल का मतलब होता है जो मतलब सीमित टाइम तक चलेगा, ये नहीं कि हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 15 तारीख को फाइनली आपको दिखने वाला है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पहले भी सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के शो से बाहर निकलकर अलग अलग दोनों काम करने लग गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों फिर से साथ में आ गए थे। अब देखते हैं कि किसको जनता देखना चाहेगी और ये शोज़ कितना चलेंगे, क्योंकि कपिल शर्मा का जो नया शो है जिसको भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान, वो आने वाला है 3rd week of December में, और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, 15 December को दिखेगा। सो वेरी गुड, लेट्स सी क्लैश ऑफ द टाइटन्स कैसा रहता है। बाकी अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ललन टॉप के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, द ललन टॉप ऐप। थैंक यू।